आज का हमारा विषय है चरेवेति चरेवेति। यह उपनिषदों का एक श्लोक है, उपनिषदों का एक सूत्र है, उपनिषदों की एक शिक्षा है। चरेवेति चरेवेति का मतलब होता है हम चलते रहे कारवां बनता गया, चलते रहो, अनवरत रूप से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ये इसका अर्थ है। अब चलना दो तरह का होता है, एक तो बाह्य जगत के अंदर हम पैरों के जरिए चलते रहते हैं और एक भीतरी जगत में हमारे पैर नहीं होते हैं तो हमारे वो पैर है वो ज्ञान बन जाता है। उस ज्ञान का विकास करते हैं आत्मज्ञान का, तो वो भी चरेवेति चरेवेति कहलाता है। आत्मज्ञान का विकास करते 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 उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम कुदरत कुदरत रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है जीवन की अल्टीमेट रियलिटी को पता कर लेते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये हम चिंतन करते रहते हैं, इसको जागृति बोलते हैं। 24 घंटे हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलता रहता है और उस ज्ञान के दीपक की लो नहीं बुझे, हमारी जागृति चलती रहे अपने अस्तित्व के बारे में कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और हम जो है बाह्य जगत के अंदर जो पैरों से चलते हैं चरेवेति चरेवेति, उसके अंदर बाह्य जगत के अंदर जो जो भी जीवित प्राणी हमारे संपर्क में आवे उसके अंदर हम ये चिंतन करने लग जाते हैं कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। हमें बोलना नहीं है क्योंकि व्यवहार पक्ष के अंदर लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो चरेवेति चरेवेति का आपको स्पर्श हो चुका है, आपको ज्ञान का स्पर्श हो चुका है, तो आपको अपनी समझ में लाना है कि चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, चीटी हो, डायनासोर हो, हाथी हो, राम हो, कृष्ण हो, सब में वही आत्मा है जो मेरे में है। 24 तीर्थंकरों के अंदर मूल स्वरूप आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं है, भूत भविष्य और वर्तमान में आत्मा में कोई परिवर्तन आता है नहीं आता, वो इटर्नल होती है, वो शाश्वत होती है। हमको जो ये विविधता संसार में दिखाई देती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, कोई बौना है और कोई गूंगा है, कोई बहरा है और कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई MLA है और कोई जो है बेचारा स्वीपर ही है, ये सब जो विविधता हमको दिखाई देती है वह अपने कर्मों के कॉजेज के कारण, कर्म बीज के कारण दिखाई देती है जो हमने पिछले जन्म में प्रतिष्ठा की थी और इस जन्म के अंदर वही प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज आत्मा हमें वो सारा दिखाती है। तो भाई और बहनों चरेवेति चरेवेति का हम सामंजस्य बाहर और भीतर दोनों तरफ बिठाएंगे, जब दोनों तरफ जो है सामंजस्य बैठ जाएगा तब ये हमारा जीवन होलिस्टिक हो जाएगा। देखिए हम बाहर के जीवन को इग्नोर नहीं कर सकते, हम भीतर के जीवन को इग्नोर नहीं कर सकते। भीतर हमारा प्रभु का जो साम्राज्य है वो अति सूक्ष्म है और वो स्थूल साम्राज्य जो हमारे शरीर का बाहरी जगत का है, 5 इंद्रियों का जो साम्राज्य है उसको लाने वाला, उसको देने वाला वो भीतर का सूक्ष्म जगत है। कभी आपने चिंतन किया होगा कि सूक्ष्म जगत कितना पावरफुल होता है, एक छोटा से परमाणु यूरेनियम का जब जो है तारा नगर वगैरह के अंदर ये हमारे जो है परमाणु ग्रह बने हुए होते हैं उसमें फोड़ा जाता है तो उसमें हजारों हजारों किलोवाट बिजली मिल जाती है, सूक्ष्म इतनी ताकत है। आप भी अपने मोबाइल में देखिए कि आपके उसके अंदर जो चिप होता है वो 100 GB की मेमोरी का होता है। 100 GB की मेमोरी का अर्थ यह हुआ एक पूरी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी बड़े हॉल में होती है,
सारी पुस्तकें एक छोटे से जो है हम उसके अंदर चिप के अंदर रख सकते हैं। तो पावर जो भीतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत है, एब्स्ट्रैक्ट जगत है, और वो दिखाई भी नहीं देता है, वो अनुभव किया जाता है, और वो जगत बहुत पावरफुल है। उसी जगत से ये बाहर का जगत मिला है। भीतर के जगत के नियम अलग हैं, बाहर के जगत के नियम अलग हैं। बाहर का जो जगत है ये तो हमारा उदय और प्रारब्ध का जगह है, जगत है, ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, इसमें हम पराधीन हैं। लेकिन जो भीतर प्रभु का जगत है जिससे हम चरे वेति यानी ज्ञान को कितना ही बढ़ाओ, कितनी भी दिशा में बढ़ाओ, दृष्टि विज्ञान को आप डेवलप करते रहो, उसमें आप स्वतंत्र हो। क्योंकि ये चेतना का जगत है, चेतना का एक भी परमाणु जो है इस शरीर रूपी जो जड़ में नहीं है, और इस शरीर रूपी जड़ का एक भी परमाणु चेतना में नहीं है। क्योंकि जड़ और चेतना के लक्षण अलग है, चेत और जो चेतन और जो जड़ की परिभाषा अलग है, चेतन और जड़ का जो है उपादान अलग होता है, इसीलिए दोनों का कोई मेल नहीं, लेकिन रहते दोनों साथ में है।